अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शाहजहां वोर्टेक्स राइड से। अब हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर उस मोटरसाइकिल की जो यामाहा ने अपडेट करके भेजा है। जी हां, उसका नाम है, ये आपके सामने है, यामाहा YBR 125G। अब बेसिकली यहां पे यामाहा ने 3 साल बाद 125G में कौन सी ऐसी चेंजेस लेकर आए हैं जो शायद हमारे लिए एक नए फीचर के तौर पर साबित हों। सबसे बड़ी पहली और बात हम यहाँ पर करें इसके परफॉर्मेंस के हवाले से, 2016, 17 या 15 मॉडल में YBR जी उस तरह परफॉर्म नहीं करती थी जिस तरह इसे एक्सपेक्ट किया जाता था। ठीक है, एज़ पर ये कॉस्मेटिक ऑफ रोडर है। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा है तो इवेंचुअली इसकी टॉप स्पीड पे ये चीज़ अफेक्ट कर रही थी। अब यामाहा ने डिसाइड किया कि इसकी कार्बोरेटर की जेटिंग के साथ दोबारा प्ले किया जाए और इस दफ़ा YBR जी की जेट्स को उन्होंने इंटायर आपके बाकी दो वेरियंट से डिफरेंट बनाया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सेम YBR ESD 2018 की तरह है कि इसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बेहतर निकलेगी। आप जाके वीडियो बेशक हारिस भाई के चैनल पे चेक कर सकते हैं जहाँ पे उन्होंने ESD की टॉप स्पीड दिखाई है और वहाँ से अंदाज़ा होता है कि इसकी एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे इसका ई मीटर। ठीक है, ESD की तरह इसको भी 120 तक मैक्सिमम स्पीड शो की है और इनका बैकग्राउंड थीम जो था मीटर का वो पहले से मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है। यहाँ पर 2018 की अगर आप इंडिकेटर्स को ख़ास तौर पे गौर से देखें, ठीक है, तो इन इंडिकेटर्स की क्वालिटी, ठीक है, पहले से मुझे थोड़ी सी कम लगी है। जो बेसिकली क्या है, पहले आपके पास एक क्रिस्टल फिनिश में आते थे, अब एक कॉरोगेटेड फिनिश है। ठीक है, एक रफ़ फिनिश रखती है। कुछ और चीज़ें हैं इसमें, इसकी साइड का ब्रेक पैडल हो गया, उसके इन्होंने थोड़ी बहुत डिज़ाइन में फ़र्क डाला है। ठीक है, फ़र्क कोई नहीं है, उसकी लेंथ उतनी है, उसकी पोजीशन फुट रेस्ट से वही है। अभी से मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि उनको ये थीम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एक मैं जनरल बात यहाँ पे करूँगा, जब YBR पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो मेरा ख्याल है 100 में से एक बंदे ने भी इसकी तारीफ़ भी की थी कि यार ये किस किस्म का बाइक है। सब कहते थे प्लास्टिक का है, इसकी आवाज़ नहीं है, ये फलां है, ये ऐसा है। और वक्त गुजरता गया, लोगों को पसंद आती गई, यामाहा वक्त के साथ साथ काफ़ी ऊपर आती चलेगी। अब यही बात है, स्टार्टर में आप सब कहेंगे यार ये मुझे 125G येलो में अच्छा नहीं लगा, आई बेट थोड़ा सा टाइम गुजरेगा यही चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी और थोड़े ही वक्त में आप इस चीज़ को सड़क पे आते देखेंगे। अच्छा, बीच में कुछ छोटी मोटी एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर 2018 मॉडल में क्लच केबल की जो एडजस्टर की पोजीशन थी, ठीक है, वो YBR जी में उन्होंने बदल दिया। पहले वो तकरीबन आपके इसके पास उस तरफ आया करती थी, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लच लीवर के साथ है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या होता था चलाते वक्त वो चीज़ इसके साथ लगती थी और यहाँ पे थोड़े बहुत पेंट उतारना और ऐसे टक टक का शोर करना वो तकरीबन अभी ऑफ हो गई है चीज़। एक और चीज़ है जो यहाँ पे YBR जी में चेंज की गई वो है इसकी ये ग्रैब रेल। ठीक है, ग्रैब रेल का प्रोफाइल पहले सिंपल स्ट्रेट सा था और अभी थोड़ा सा उन्होंने बीच में बैंड कर दिया। ये चीज़ें बेसिकली थोड़े स्टाइल में एडिशन करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए इस बाइक की रिलायबिलिटी ठीक उसी तरह है जो पहले थी। इस बाइक में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हैं, प्लस एडिशनल चीज़ इसमें यह आती है कि इसकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। दिस वीडियो हैज़ बीन प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय काजी ऑटोज़ रावलपिंडी। जी हाँ, ये वही मोटरसाइकिल डीलर्स हैं जो ज़ीरो मार्कअप पर आपको यामाहा की कोई भी बाइक इंस्टॉलेशन प्लान पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई इरादा है ख़ास तौर पर 2018 का बाइक लेने के, तो आप यहाँ पर फील फ्री आप विज़िट कर सकते हैं, आपको अच्छा डील करेंगे और आप आके इनके इंस्टॉलेशन प्लान्स फुली सेटिस्फेक्शन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें दोबारा एक प्लेटफॉर्म दिया इसी बाइक के लिए, ठीक है, इसके फीचर्स के लिए, ताकि हम आपसे शेयर करें। एनीवे, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे YBR जी की करनी थी। कलर्स इन दी एंड बात करूँगा, 3 है इसमें, रेड, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, थीम मुझे पर्सनली अच्छा लगा, रेस्ट ऑफ बाइक में किसी किस्म का कोई क्वालिटी चेंज नहीं है। ठीक है, कोई इसमें फ्लॉ ऐसा सच मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान, अल्लाह हाफिज़।